छह महीने तक देश में आंदोलन होंगे और प्रेस के लोग, प्रेस के एंकर, बड़े बड़े प्रेस के लोग बीजेपी के प्रवक्ता बनकर काम करेंगे। तीन तीन महीने तक आंदोलन का पता नहीं लेंगे। किस चीज की बात करते हो आप? सारे बीजेपी के प्रवक्ता बने हैं सारे लोग, ये देश देखता है आपको भी। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम। मैं हूं नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं द एनसी शो। आज जो एनसी शो में हम बात करने जा रहे हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन को 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं है। उधर किसान भी कसम खाए बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम भी किसी हाल में नहीं मानने वाले हैं, हम घर वापस नहीं जाने वाले हैं जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती। दरअसल पिछले 6 महीने से किसान बॉर्डर पर तैनात हैं, एक योद्धा की तरह वो वहां पर लगातार डटे हुए हैं और इस दौरान किसानों ने अपने बहुत सारे साथियों को गवा भी दिया, लेकिन सरकार की तरफ से 2-4-5 मंत्रणाओं के बाद किसानों की कोई सुध नहीं ली गई। इसी बीच एक बार फिर से जब किसानों ने काला दिवस मनाया तो किसानों की चर्चाएं जोरों पर है, और जोरों पर चर्चाएं इसीलिए है क्योंकि किसानों ने काला दिवस मनाया। इससे पहले भी पिछले 3 महीने तक किसानों को कोई भी कवरेज नहीं दी जा रही थी। अगर बात की जाए नेशनल मीडिया की, तो नेशनल मीडिया से किसानों का आंदोलन पूरे तरीके से गायब था। इसी नेशनल मीडिया में पिछले 3 महीने में चुनावी खबरें दिखाई जा रही थी और उसके बाद 1-1.5 महीने में लगातार कोरोना की खबरें दिखाई गई। लेकिन अब जब किसानों ने काला दिन मनाकर 1 दिन विरोध किया, तो अब किसान आंदोलन को तथा कथित किसान आंदोलन कहा जा रहा है। मैं आज केंद्र की मोदी सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आंदोलन को ऐसे दबाने का ये सिलसिला पहले भी चला करता था, या फिर एक नई रवायत इस केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने निकाली है। आज के अगर आंदोलनों की बात की जाए, तो जब शाहीन बाग आंदोलन हुआ, तो शाहीन बाग आंदोलन को आप बहुत करीब से समझेंगे तो देखेंगे कि आखिरी तक उसे मीडिया कवरेज मिलती रही। लगातार तमाम चैनल्स के लोग वहां पर पहुंचते रहे, शाहीन बाग के मुद्दे को उठाते रहे, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के लोग भी शाहीन बाग में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच मध्यस्थता करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन किसान आंदोलन के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? शुरुआत के 3 महीने किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबरों को दिखाया गया और उसके कुछ समय बाद ही किसानों को आंदोलन जीवी कहा जाने लगा। किसानों को यह बताया जाने लगा कि ये तथाकथित कथित किसान है, असली किसान तो अपने खेतों पर काम कर रहा है। लेकिन जो किसान अब भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जिन्होंने अपने साथियों को खोया है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। देश देखता है आपको भी। अब आप कोरोना का भंडा फोड़ो, ये किसानों के जुम्मे लगाओ। कोरोना का इलाज हॉस्पिटल में है, कोरोना का रास्ता, बीमारी का रास्ता अस्पताल जाता है, किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है। ये कान खोल कर सुन लो, फिर दिल्ली सुन लो कान खोल के। 26 तारीख हर महीने आती है, ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये 25 लाख आदमी भी यही है। ये दिल्ली फिर कान खोल कर सुन ले, बीमारी का इलाज हॉस्पिटल है, किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट है। ये तो क्या आज की मोदी सरकार ये नहीं चाहती कि आंदोलन से कोई बड़ा नेता निकले और वो आगे बढ़े? क्या आज की नरेंद्र मोदी सरकार नेताओं को पैदा नहीं होने देना चाहती ताकि वो आने वाले वक्त में देश में राजनीति करें, जनता के मुद्दों को उठाएं? क्या आज की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष को भी पूरे तरीके से खत्म कर देना चाहती है ताकि आने वाले वक्त में विपक्ष का भी कोई नेता जनता की आवाज उठाने के लिए न रहे? किसान आंदोलन को लेकर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि किसानों की अपनी मांग जायज है। उन्होंने बॉर्डर पर बैठे बैठे अपने बहुत सारे साथियों को खोया है, लेकिन पता नहीं सरकार को क्या समझ आ रहा है। सरकार क्यों इस कोरोना के काल में किसानों को कोरोना जीवी बताने पर तुली हुई है? मैं उन न्यूज चैनल से भी सवाल पूछना चाहूंगा जो लगातार ये कह रहे हैं कि आंदोलन जीवी और कोरोना जीवी यहां पर बैठे हैं। उस वक्त क्यों नहीं वो उन तमाम मुद्दों को उठाया गया जिस वक्त इन सब की जरूरत थी? जब कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तब तुम ही जैसे न्यूज चैनल से दिखा रहे थे कि नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बंगाल में बहुत भारी भीड़ उमड़ी।
मोदी जी भी गदगद हो गए भीड़ को देखकर। उसी वक्त आप लोग ये दिखा रहे थे कि अमित शाह जब एक रैली को संबोधित करने गए तो वहां पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। उस वक्त किसानों की कोई बात नहीं कर रहा था, उस वक्त नहीं बताया जा रहा था कि किसान यहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज जब एक बार फिर से किसान उभर कर आए हैं, उन्होंने एक बार फिर से चेतावनी दी है, उन्होंने बताया है कि हम किसी भी हाल में हटने वाले नहीं है, तो आज हमारे देश के तथा कथित नेशनल मीडिया द्वारा उन्हें आंदोलन जीवी बताने की कोशिश की जा रही है। उनके आंदोलन को वायरस वाला आंदोलन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन में कोरोना से लोगों की मौत हो रही है और किसान अपने घर नहीं जा रहे। ये वही सरकार है जब किसान ठंड में ठिठुर रहे थे, ठंड में किसानों की मौत हो रही थी, तब इस सरकार को एक बार भी लज्जा नहीं आई थी। न इस सरकार ने कहा था कि किसानों की मौत हो रही है, हमें किसान कानून में कुछ बदलाव करने होंगे, किसानों को हाथ जोड़कर वापस भेजना होगा। यह आज की वो सरकार है जो आंदोलन को पूरे तरीके से दबाना चाहती है। यह आज की वो सरकार है जो नहीं चाहती कि आने वाले वक्त में कोई भी नेता पैदा हो। यह आज की वो सरकार है जो आंदोलन करने वाले नए नेताओं को हाशिए पर लेकर जाना चाहती है। लेकिन मैं एक बात और बता देना चाहूंगा कि विरोध हमेशा सत्ता को ताकतवर बनाता है, लेकिन आज ये समझ नहीं आ रहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने खिलाफ उठे हर विरोध को क्यों दबा देना चाहती है। शाहीन बाग को खत्म किया गया कोरोना के बहाने, क्या किसान आंदोलन को भी कोरोना के बहाने ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है? क्या आंदोलन को खत्म करने से नरेंद्र मोदी सरकार जनता की नजरों में बहुत अच्छी बन जाएगी? क्या नरेंद्र मोदी सरकार और उनकी तमाम राज्य सरकारों को इस किसान आंदोलन का खामियाजा आने वाले चुनाव में नहीं भुगतना होगा? ये तमाम सवाल आज पूछने पड़ रहे हैं और इस पर सरकार को भी गहर चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि आंदोलन को दबाने से सिर्फ सरकार का नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा और आने वाले वक्त में आपकी सत्ता का भी नुकसान होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए दायन।